है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को काफी हद तक प्रभावित करता है। मेरे सहयोगी प्रीति आप सभी को ये बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और उनके साथ जो लक्षण है वो देखने को मिलेंगे। तो मैं मेरी सहयोगी प्रीति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को ये बताएं कि कौन कौन से जो रिस्क फैक्टर हैं और सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। प्रीति सर, जो हमारा जनरल मेंटल हेल्थ है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को एक स्तर पर प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की जो एक समस्या है वो एक बहुत ही मुख्य समस्या है कि जिससे कि व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका स्तर लगातार नीचे गिरते जाते हैं। जैसे कि काफी सारे इसके रीजन हो सकते हैं ड्यू टू कोविड-19 या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि व्यक्ति के पास जॉब नहीं है। तो जॉब नहीं है तो इससे क्या हो रहा है कि उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो लगातार गिरता जा रहा है, वो प्रेशर में आ रहा है। अगला हमारे साथ रेसिज्म, ये काफी कुछ देखने को मिलता है कि जब व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है कि जातिवाद नस्लवाद को लेकर कि काला है गोरा है, तो ये हमें देखने को मिला है कि हमारे विश्व में ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि व्यक्ति को उसके कलर से जज किया जा रहा है, नस्लवाद की जो उसके ऊपर टिप्पणी है वो की जा रही है, जिससे कि क्या हो रहा है हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है और उससे व्यक्ति को स्ट्रेस में जा रहा है। अगर हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया, तो जो सोशल मीडिया है इससे भी रेसिज्म काफी हद तक फैल रहा है कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक तो पॉजिटिव वे भी है लेकिन